one of the most influential philosopher, Immanuel Kant. His contribution is so massive that I personally do not feel that hum philosophy ko samajh sakte hain. Hello friends, today we'll have our discussion on one of the most influential philosopher, Immanuel Kant. His contribution is so massive that I personally do not feel that hum philosophy ko samajh sakte hain bina unke jaane, bina unke upar discussion kiye. Ab question ye hai ki kyun ye itne mahaan hain? क्या ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है? उनसे पहले भी उनके बाद भी हमारे पास काफी अच्छे फिलोसोफर्स आए हैं जिन्होंने समझाया है दैट हाउ टू थिंक, व्हाट इज एक्चुअली रियलिटी, सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ. इन फिलोसफी में तो काफी बहुत बहुत महान फिलोसोफर्स रहे हैं. वी डू हैव कपिला, वी डू हैव कपिला, गौतमी, पतंजलि, कनाडा, जेमिनी, बहुत सारे हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स हैं. वेस्टर्न फिलोसफी में वी हैव अल्बर्टस मैग्नस, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, रेने डिकार्ट, सो जॉर्ज हेगल, डायलेक्टिकल थिंकर्स, हेर्मेनिस्टिक थिंकर्स. तो हमारे पास बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं. ऐसी कौन सी नई बात थी जो इमैनुअल कांट ने की और समझाई? आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे. So Immanuel Kant was a German philosopher. He was writing in 17th century. 17th century mein kya ho raha tha? What was happening in 17th century? So we know ki chaos tha, ek social order jo pehle place tha, it collapsed. एंड आई थिंक कि जब तक डिसऑर्डर नहीं होता है तो सोशल ऑर्डर भी क्रिएट नहीं होता है. सो व्हेन कांट वाज राइटिंग, ही वाज राइटिंग ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट फेस. कांट को अक्सर एनलाइटनमेंट फिलोसोफर के नाम से भी जाना जाता है. सो द डिस्टिंक्टिव पॉइंट व्हिच इमैनुअल कांट हैज गिवन टू अस, he has separated philosophy from religious understanding. Immanuel Kant ne scientific analysis ko morality ke sath jod diya. In academic language, if I would say, he understood morality, philosophy by using positivist approach. What is positivist approach? Positivism is a philosophy which says that in order to understand our society, social world, we need to apply empirical methods, scientific methods. Ab morality ko ek religious ideas ke through jo morality hamare paas pehle se samaj mein thi, usme hum scientific analysis karke philosophy create kar rahe hain. This is what Immanuel Kant has done. So he separated religion and state. He separated morality and has given a wonderful dimension to know our actions. Okay. So, see, philosophy ki starting hui kaise hai? Ye bhi thoda samajhna ki zarurat hai. Ki philosophy start kaise hui? So, we know that we human beings, jo hum manushya hai, hum manushya pehle hai kyun? कार्ल लिनियस, who is considered as father of taxonomist, उन्होंने हमें कैटेगरी किस कैटेगरी में रखा है? हमको एनिमल कैटेगरी में ही रखा है. सो वी नो वी हैव लॉट मेनी थिंकर्स, एरिस्टोटल इज वन ऑफ देम, हु सेड दैट वी आर अ सोशल एनिमल. सोशियोलॉजी इस बात को अच्छे से बताती है दैट वी ह्यूमंस आर एनिमल्स. अब हाउ वी बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज, फ्रॉम अदर एनिमल्स, बिकॉज ऑफ our ability to think critically. इसी की बात कार्ल मार्क्स ने भी कही है.
Karl Marx in his analysis of society is not simply talking about dialectics, contradictions, class struggle. He's saying that humans are having ultimate potential, which no other species is having. हम इंसानों में, हम मनुष्य में एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? कुछ भी एक्शन करने से पहले वो हमारे दिमाग में उसकी प्लानिंग हो जाती है. ओके, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम डिजायर्स. ओके, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सम डिजायर्स वी आर ईटिंग और वी आर हैविंग ग्रेटिफिकेशन. अर्ज है, लेकिन सोच समझ के, प्लानिंग करके हम इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं. जानवरों में ऐसा नहीं होता. लाइक जानवरों में वो उनको रिप्रोड्यूस करना है तो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे. सो दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमंस आर डिफरेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वी आर नॉट डिफरेंट ओनली बिकॉज वी हैव दिस एबिलिटी टू वॉक ऑन आवर टू लिम्स. वी आर बाइपीडियल, एक हम होमो, यू नो, वी हैव अ इरेक्टर पोस्चर, वी हैव अपोजेबल थंब्स. ओके, वी डू हैव अ लैंग्वेज और स्पीच कैपेबिलिटीज. सो ये सारी चीजें हमको दूसरे जानवरों से फिजिकली दूर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मानवता का कैरेक्टरिस्टिक है, जो हम जिसकी वजह से हम बहुत ही प्राउड के साथ कहते हैं ना, हम इंसान हैं. कभी आप अक्सर चलते हुए देखोगे रास्ते में, मुझे तो अक्सर ऐसे लोग मिल जाते, इतना घमंड, यू नो, एज इफ कि पूरी दुनिया इन्हीं की है और ये कुछ बादशाह हैं और ये चल रहे हैं और हम लोग बस इनके, यू नो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, कायनात पूरी खड़ी हो जाए उनके आगे. सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है. ओके, सो एरोगेंस, हैविंग जेलेसी, ये सब इंसान ने खुद क्रिएट करी है. What made us different from other species? Anthropology में तो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है, इट इज empathy. Margaret Mead ने भी इसको बात कही है कि सिविलाइजेशन की, मानवता की जो शुरुआत हुई है वो empathy, फीलिंग, इमोशंस के साथ हुई है. ओके, सो ये कुछ मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी है टू अंडरस्टैंड कि फिलोसफी स्टार्ट कैसी हुई है. ओके, सो इन 17th सेंचुरी when Immanuel Kant is writing, तो फिलोसफी का अच्छा खासा एक होल्ड था. Now, Immanuel Kant is someone who have brought clear distinctions on philosophy. He brought a very important imperatives, categorical imperatives, okay, to understand what is right and what is wrong. So, उन्होंने क्या किया? कुछ laws produce करे. Okay, he said that in order to understand society, philosophy, we must have some principles, some rules. And this is a broader argument laid by positivists. Positivists like Auguste Comte, Saint-Simon, Emile Durkheim, they all are arguing in order to have stability in society, in order to have peace in society, in order to maintain equilibrium in society, what do we have to do? We need to become rational. रैशनैलिटी के साथ हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं. तो ये जो पॉजिटिविज्म, जो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविज्म रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल फॉर एवरीवन. फॉर एग्जांपल, न्यूटन का जो लॉ है, यू नो, ग्रेविटी का जो लॉ है, या फिर हम इतने फिजिकल लॉज को पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर फिजिकल वर्ल्ड, वो ऐसे नहीं है कि हम कहेंगे कि भाई न्यूटन के जो लॉज है वो एक एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के लिए सही है, हमारे इंडिया में इसका कोई महत्व नहीं है. ओके, अगर अर्थक्वेक होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ कोलाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके कुछ रीजन है, वो हमारे लिए भी उतने ही ट्रू है. सो इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग स्टेटोग्राफी, इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग स्टेटोग्राफी ऑफ अर्थ, तो अगर लेयर्स ऑफ अर्थ को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज सेम. सो ये जो एक यूनिवर्सैलिटी है वो अप्लाई करी है इमैनुअल कांट ने. ओके, इन ऑर्डर टू गिव क्लियर फिलोसफी. ओके, तो ये सबसे ज्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत है. सी, वी ऑल नो दैट हाउ इट इज हाईली क्रूशियल फॉर अस टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन फिलोसफी.
ओके, आप अगर फिलोसोफर्स को अच्छे से समझ सकते हैं, वो आपको एथिक्स में हेल्प करेगा, वो आपको ऐसे में हेल्प करेगा, वो आपको एक सोचने, एक अच्छी तरीके से सोचने में हेल्प करेगा. इट एक्चुअली हेल्प यू टू आर्टिकुलेट एनी फिनोमिनन गोइंग ऑन, व्हाटएवर यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाटएवर यू आर राइटिंग इन हाईली क्रिटिकल मैनर. सो किसी भी थिंकर्स को आप सिर्फ रटो मत, ओके, कि कोई भी आपको समझा रहा है यहाँ पे, अच्छा कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स है, उनके ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, इमैनुअल कांट वेस्टर्न फिलोसोफर है, वो ये बात कह रहे हैं, एरिस्टोटल ये बात कह रहे हैं, प्लेटो ये बात कह रहे हैं. आई थिंक के यूपीएससी की जो जर्नी है उसको आप लोगों को इंजॉय करना चाहिए, और इस जर्नी को इंजॉय करने के लिए ये जितने भी फिलोसफर्स हैं, स्पेसिफिकली माई पर्सनल फेवरेट इमैनुअल कांट, इनसे आपको दोस्ती करनी चाहिए. क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से बातें करने लगते हैं इन लोगों से, तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट नहीं लगती है. सो आज इसको कोशिश करेंगे इमैनुअल कांट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, ठीक है. तो आंसर लिखना कैसा होता है, कैसे आप अपने नोट्स बनाओगे, तो इमैनुअल कांट लिखा, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखा, कुछ कुछ एक दो पॉइंट्स जो रेलिवेंट हो सकते हैं हमारे आंसर्स के लिए, वो हम लिखेंगे. तो इमैनुअल कांट So he was born in Koenigsberg. So it was in Germany. Nowadays it is a part of Russia, right? So he published his first part, Critique of Pure Reason, okay, in 1781. And he represents deontological ethics. For him, a right action consists only in an action that is ruled and justified by a rule or प्रिंसिपल. इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रिंसिपल, क्या बात वो कह रहे हैं. तो इट वॉज अ रैशनल एंड ऑटोनॉमस कन्फर्मिटी ऑफ वन विल्स टू सी राइट द यूनिवर्सल मॉरल लॉ, ओके, एंड दिस वॉज हिज बुक फाउंडेशन ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स. ऐसा हम समझ सकते हैं इमैनुअल कांट के कुछ बुक्स हम यू नो विच कैन दिस कैन राइट, एंड देन दिस इज वॉट वी से मॉरलिटी. So he is talking about nature of imperatives, goodwill, the notion of duty. So this is what Kant's concepts. जिसमें आपको clarity होनी चाहिए. Goodwill क्या है? Nature of imperatives क्या है? The notion of duty. So Kant is saying about goodwill. So only thing that is good without qualification. Other goods like intelligence and health can be qualified. Goodwill is good by virtue because it is the will to follow the moral law. Now, what is moral law? Moral law kya hai? Kaun si wo rules hain jo aapko samajhna hai? In order to understand Kant philosophy, categorical imperatives, sabse pehle kuch key concepts aapko samajh mein aane chahiye, jaise maine bhi bataya, the nature of imperatives, goodwill, actions, morality. तो वो रूल क्या है, राइट? सो लेट जस्ट सी इन अ मोमेंट आई विल टॉक द नोशन ऑफ ड्यूटी. तो आपकी कुछ मॉरल ड्यूटी है, ओके, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डिस्टिंक्शन बिटवीन आई वॉन्ट एंड आई आम, आई शुड. मॉरल एक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है. मॉरल एक्शन जो है वो बिल्कुल भी स्पॉन्टेनियस नहीं है. If I see someone in need of help, I may be inclined to look the other way, but I will recognize that my duty is to help. It's my duty. कई बार आप देखोगे ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, कई हमेशा होता है. आपको you know, you need to have value relevance. जैसे Max Weber कहते हैं कि आपको rational बनने के लिए क्या करना होता है, बार बार ही अपने अंदर झांकना होता है, अपने अंदर देखना होता है, अपने एक्शन को एग्जामिन करना होता है, ये सही था ये गलत था. नो, व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च, जब आप फील्ड में जाते हैं एज अ रिसर्चर, आपको ट्रेनिंग देते हैं, राइट? तो जेएनयू में तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली, तो वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आपको बायसनेस हटाना है, राइट? तो ऑफन आपने देखा होगा, दिस व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से, कि हम कभी कुछ अच्छा करते हैं, ओके. For instance, if I am going on
इफ आई एम गोइंग ऑन द स्ट्रीट और कोई बेगर है या किसी की हमने मदद कर दी, तो हमारे अंदर एक बड़ा अच्छी भावना सी आती है, अच्छी आनी भी चाहिए, मतलब अच्छा लगना चाहिए, बट एक ना एरोगेंस भी आता है जब आप चैरिटी करते हैं, ओके, या आप कभी किसी की हेल्प करेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ मैं आज मैंने 10 रुपये दे दिए रास्ते में, आज कोई प्रॉब्लम में था तो मैंने उसको उसकी उसका उसको ज्ञान बांट दिया, मैंने उसको बताया कि ऐसा करना है, मैंने अपने नोट्स दिखा दिया, तो यहाँ पे यू फील एज इफ यू हैव डन समथिंग रियली ह्यूज बिग टू हिम और इमैनुअल कांट यही बात बोल रहे हैं कि भाई वो आपकी ड्यूटी है, आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं है, अगर किसी को दर्द हो रहा है और आप उस दर्द में कुछ सहायता कर सकते हैं तो वो आप करेंगे, राइट, सो इट इज योर मॉरल ड्यूटी, तो आपने कुछ एहसान नहीं किया है किसी पे, अगर ये भावना अगर हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं तो बिल्कुल तय बात है कि हम एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे, किसी के दर्द से दर्द हो रहा है आपको और अगर आप उसके दर्द में उसको हेल्प करने जा रहे हैं तो आप कुछ भी महान काम नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा भी महान काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी ये मॉरल ड्यूटी है, ऐसा इमैनुअल कांट हमको समझा रहे हैं। सो इसी को आपको समझना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन आई विल एंड आई शुड। सो इफ यू आर अ ह्यूमन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इंडियन फिलोसफी में तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, कर्मा फिलोसफी, रीना फिलोसफी, आपके आसपास जितने लोग हैं उनका आपके ऊपर हक है, आपकी मॉरालिटी है, ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट विच यू हैव टू सी। नाउ नेचर ऑफ इंपेरेटिव्स, सो वी हैव अ हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव्स, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, वी विल डिस्कस कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स। सो हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव्स, इफ यू वॉन्ट यू आउट, द आउट और द ड्यूटी is conditioned by your desires, wants and goals. So our goals are grounded in self-interest. Okay, so hypothetical imperatives. अब ये जो hypothetical imperatives है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, ओके, एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। सो उदाहरण ले लेते हैं, आइए, ओके, अब समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम्पल में कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कैसे अप्लाई होगा, हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव कैसे अप्लाई होगा, ओके, तो हम ये बात कह रहे हैं कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो ये मेरा विल है दैट आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। टू अचीव दिस गोल आई एम वर्किंग हार्ड, 10-12 आवर्स मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, सब कुछ त्याग दिया है, दुनियादारी सब छोड़ दी है, घर वालों से भी बनती नहीं है, अब हमेशा यही लगा रहता है कि अब UPSC क्या नोटिस निकाल देती है, अब सैट पे किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में क्या करें, कौन से टीचर के पास जाएं, कौन से गुरु को देखें, बहुत सारे आजकल गुरु हैं, ठीक है, तो किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, आजकल तो चैलेंज यही है बच्चों के साथ। एनीवे, तो विल तो ये है कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, उसके लिए आप ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं, ओके, ऑनेस्टी के साथ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क। अब आपके मन में क्या है कि मैं IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बात है, एक आप जिस दिन आप रैंक वन आ जाए, रैंक वन तो छोड़िए, जिस दिन से आप लोग IAS ऑफिसर की तैयारी करने लगते हैं, एक अलग ही आप लोगों का स्टेटस बन जाता है, तो IAS ऑफिसर बनने के बाद और स्टेटस बन जाएगा आपका,
ठीक है, तो लेकिन हम ये सारी बातें नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि भाई हमको सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है और बस ये हमारा विल है, ये हमारा गोल है, हमको बस जॉब चाहिए तो हम अच्छी जॉब सोचे, यू नो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सोचते हैं. सो दिस इज वॉट वी आर थिंकिंग कि वी वॉन्ट टू डू. सो दिस इज वाई यू आर वर्किंग हार्ड. नाउ हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव इज वॉट, वेयर योर डिजायर्स इज बाउंडेड विद योर सम हाउ इट इज सराउंडेड विद सेल्फ इंटरेस्ट. मैं आई एस ऑफिसर बन जाऊंगा तो ये तो कहने की बात है कि कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट है. ओके, स्टेटस मिलेगा और बहुत सारे पर्क्स हैं भाई, अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, स्टेटस, पावर, बहुत कुछ, इज्जत है, सबसे बड़ी बात तो इज्जत है. अब हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव इज सिंपली सेइंग कि आपकी जो विल है और आप जो करना चाह रहे हैं, आपका जो एक्शन है वो सेल्फ इंटरेस्ट में बेस्ड है कहीं ना कहीं. ओके, अब इसमें वेरिएशंस डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से ही ओशो बन जाएंगे या इम्यूनल कांड बनेंगे, धीरे धीरे ही अंदर इवोल्यूशन होता है, हम धीरे धीरे ही इवॉल्व करते हैं. बट हमको सोचना है टू हैव लार्जर पिक्चर दैट आई वॉन्ट टू बिकम एन आई एस ऑफिसर एज पर एनालिसिस ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स. कि if I become an IAS officer, how I'm going to contribute to a society because it's my moral duty. मैं इंसान हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई करने से जो हमारे समाज में vulnerable sections हैं, जो जिनको upliftment की ज़रूरत है, उनमें क्या मैं कुछ contribute कर सकता हूँ. तो ये हो गया आपका categorical imperatives. अब Immanuel Kant ने बहुत ही इंटेलिजेंट फिलॉसफी की है और उन्होंने बताया कि आप टेस्ट करो, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आप जो आपका एक्शन है वो हाइपोथेटिकल कैटेगरी यू नो हाइपोथेटिकल है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, या इट इज रियली ट्रूली ट्रू कैटेगोरिकल इंपेरेटिव. तो उन्होंने कुछ टेस्टिंग्स भी बताए हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा. ओके, तो फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट सी कि हम सभी आईएएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, सो किस तरीके का एक समाज क्रिएट होगा. अब हमारे सिचुएशन में हम एक गरीब घर से आए हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किया है. अब मैं आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ तो क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने बहुत परेशानी देखी है, सो डज इट मीन कि अब मुझको लाइसेंस मिल गया है कि मैं अपनी पावर अथॉरिटी दिखाऊं या मैं करप्शन करूं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन आपके हिसाब से सही हो रही है बट वो यूनिवर्सली तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती है. सो यही चीज इमैनुअल कांट ने एक्सप्लेन करी है दैट यू हैव टू सी दैट योर एक्शन कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली. सो दिस इज व्हाट ही हैज एक्सप्लेन और यहीं पे आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? सो व्हाट यू हैव टू सी हियर, सो दिस इज समथिंग न्यू विच आई वॉज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग. यहाँ पे आपको ये बात समझनी है दैट इमैनुअल कांट ने क्या किया है, कुछ एक प्रिंसिपल अप्लाई करे हैं, कैटेगरीज बताई है, हाउ ही हैज अप्लाइड दैट ऑन मोरालिटी. ओके, सो इट्स अ रूल दैट कैन अप्लाई यूनिवर्सली रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल डिजायर्स. सो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे एजुकेशन से मेरी जो भी मेरे पास पोटेंशियल है, मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरा जो नेचर है, उससे मैं मानवता पे कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. अगर मेरे किसी एक्शन से किसी का भला हो सकता है तो ये मेरी ड्यूटी है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल डिजायर्स, सो इमैनुअल कांट इज सेइंग हाउ टू डिसाइड समथिंग इज मॉरली करेक्ट और नॉट. अब ये पता कैसे चलेगा कि मॉरली करेक्ट है कि नहीं? ओके, फॉर इंस्टेंस अक्सर पेरेंट्स को आपने देखा होगा, मैं भी एक पेरेंट ही हूँ, सो मैं भी अपनी डॉटर को काफी डांटती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ. ओके, अब वी नो दैट यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट कि डिस्कशन हो रहा है मॉरालिटी का, किस तरीके से हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस शॉटिंग ऑन चिल्ड्रन और ऑन एनीवन, चिल्लाना एक गलत
एक्शन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इंटेंशन. आपका इंटेंशन कुछ भी हो वो गलत है. क्यों ऐसे क्यों हम कह सकते हैं? ओके, लेट्स जस्ट से स्पैंकिंग. जब हम इंडिया में जब हम पेरेंटिंग करते हैं, ठीक है, सो हम डांटते भी हैं, मार भी देते हैं, थप्पड़ वप्पड़ ये सारी चीजें होती हैं. इस चीज का वेस्टर्न सोसाइटी में इसका बड़ा हंगामा मचा रहता है कि इंडियंस जो है अपने बच्चों को सही से पालते नहीं है, उनको मारते पीटते हैं, चिल्लाते हैं, ये वो. अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा हाउ टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग. कल्चरल रिलेटिविज्म की बात है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग. अभी जो मैं पेरेंटिंग की जो बात कर रही हूँ, इसका ही एग्जाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्विकली. सो लेट जस्ट से शाउटिंग और स्पेंडिंग. अब इंडिया में अक्सर ये पाया जाता है कि ये अलाउड है, वेस्ट में इसको बड़ा हवा बना रखा है कि क्यों करते हैं ऐसा, राइट? अब यहाँ पे समझ में कैसे आए कि ये मॉरली करेक्ट होना चाहिए कि नहीं? अगर आप डेटास की बात करेंगे, अगर आप यू नो इफ यू टॉक ऑन द फैक्ट्स, यू नो दैट स्टिल इवन टुडे इन इंडिया हम इंडियन पेरेंट्स चाहे बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, यू नो बहुत ज़्यादा मार रहे तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अगर डांटना चिल्लाना गुस्सा भी करते हैं तब भी आज भी इंडियन चिल्ड्रन दे आर नॉट थ्रोइंग आउट देयर पेरेंट्स टू सम ओल्ड एज होम. आज भी इंडिया में अपने हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादातर जहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार के साथ रहते हैं, उनको कभी भी अपने घर से नहीं निकालते हैं. वेस्टर्न में हालांकि ये कल्चर है कि भाई मारना नहीं है, पीटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, वहाँ पे आप ओल्ड एज होम का डेटा निकाल के देख सकते हैं कि वहाँ पे ओल्ड एज शेल्टर का क्या डेटा है. अब यू नो नाउ हाउ टू डिसाइड कि ये एक्शन सही है या गलत है. वी हैव टू अप्लाई कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एज गिवन टू अस बाय कांट. क्या ये जो एक्शन है जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अब हम उसको मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्या ये यूनिवर्सली अप्लाई हो सकता है? इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा? मैंने अभी आपको बताया कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में ऐसा अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है. पेरेंटिंग में मारना पीटना होता भी है तो, लेकिन फिर भी बच्चा बड़ा होता है, हंसता है, खेलता है, कोई बात नहीं. लेकिन हम फिर भी ऐसा एक समाज नहीं बना सकते जहाँ पे हम एक बच्चे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक लॉ बन जाएगा सो यू वुड से यू विल सी दैट एवरीवेयर चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग ट्रीटेड नाइसली. क्योंकि ये एक और प्रिंसिपल है मॉरालिटी का, जब एक्सप्लेन कर रहे हैं इमैनुअल कांट कि यू नीड टू ट्रीट अदर्स द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड. तो मुझको तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कोई मुझको चीखे या मुझको कोई मारे, ठीक है? सो वो यही चीज आपको उस छोटे बच्चे के लिए भी सोचनी है. और अगर हम एक ऐसा समाज बना लेते हैं जहां पे बिल्कुल हम अलाउ कर देते हैं मारो पीटो ये सब, सो क्या होगा? क्योज़ो वेयर एज, जैसे वेस्ट बात करती है या इंडिया में भी डेफिनेटली बात किया गया है कि बच्चों को चिल्लाओ मत, गुस्सा मत, पर उसको समझाओ, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकता है, यहाँ पे पीस मेंटेन हो सकता है. सो यही चीज नाउ वी कैन से दैट इट इज द मॉरली करेक्ट एक्शन. सो दिस इज वॉट यू डू हैव टू अंडरस्टैंड. सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, चाहे कितने ही डिफिकल्ट फिलोसफर क्यों ना हो, चाहे उनकी थ्योरी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपने ये थोड़ी सी ट्रिक समझ ली हाउ यू कैन अप्लाई इट ऑन योर डे टू डे लाइफ, दिस फिलोसफर्स विल बिकम योर फ्रेंड्स. और कोई मुश्किल नहीं होगी आपको इनको एक्सप्लेन करने में, ठीक है? सो दिस इज वॉट वी शुड डिस्कस इन डिटेल. सो इट्स अ गोल्डन रूल, वी नीड टू अप्लाई दैट how these moral actions can be universally applicable. So how to decide something is morally correct, वो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया. What if everyone did this action all the time? For instance, lying, झूठ, चोरी, अगर हर समाज में हर कोई लोग चोरी करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, तो किस तरीके का समाज बनेगा? ट्रस्ट टूट जाएगा. इसी तरीके से अगर हम किसी के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, हम चीख रहे हैं, चाहे हमारा इंटेंशन कितना ही पायस क्यों नहीं है, ये गलत है.
दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपको कैसे लगेगा अगर आपके ऊपर कोई चीख के बात कर रहा है। तो यही चीज आप लोगों को भी समझनी चाहिए, राइट। तो वी ऑल आर ह्यूमन, हम प्यार से भी बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम आप में है, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आप में है, फ्रस्ट्रेशन आप में है। आई एम अ सिंगल पेरेंट, मैं जब अपने बच्चे को समझा रही हूँ तो ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं व्हेन आई एम टीचिंग हर, व्हेन आई एम बीइंग विद हर, वो कुछ भी गलत काम कर रही है वो करेगी, उसका नेचर है, वो बच्ची है। बट मैं उसके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हूँ, गुस्सा दिखा रही हूँ, बिकॉज यू नो इन रियलिटी आई एम वीक फ्रॉम इनसाइड। तो जब आप खुद कमजोर होते हैं, आप अपनी बात प्यार से समझा नहीं सकते, तो आप चीख के चिल्ला के अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। आपका इंटेंशन ये कहीं से भी आपको इजाजत या आपको परमिट नहीं करता, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, दैट यू डू समथिंग विच इज यू कैन नॉट एक्सेप्ट और यू विल नॉट लाइक फॉर योर सेल्फ। ओके, सो समझना क्या है यहाँ पे, समझना ये है कि अपने ही अंदर प्रॉब्लम्स को समझना है, देखना है। एग्रेशन कम किया जा सकता है, अगर आप चीख चिल्लाते हैं तो उसको कम किया जा सकता है। एक दिन का तो डेफिनेटली प्रोसेस नहीं है, आपको इस पर कोशिश करनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी डू हैव टू अंडरस्टैंड। सो वी नो दैट दोज एक्शंस दैट रिलाइज ऑन समथिंग मे बी यूनिक टू योर सिचुएशन। तो हम गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले ने हमारे साथ ऐसे किया, गलत किया, मैं कब से उसको ये काम समझा रही हूँ, वो ये काम नहीं कर रही है, जो भी है, ठीक है। तो वो यूनिक हो सकता है, गुस्सा करना, चोरी करना, मर्डर करना, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सभी ये काम कर रहे हैं दुनिया में तो समाज में कैओस पैदा होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड विद रिस्पेक्ट टू लाइंग। So moral as duty, universal principle that apply to everyone. So this is a golden rule. Treat others the way you want to be treated. Respect for humanity, autonomy and rationality. And also, Immanuel Kant is talking about emotional intelligence. Okay, so this is what he is saying. कि जब आप कोई भी action या decisions लेते हैं, तो वो भावना में नहीं होना चाहिए, वो emotions के True नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। क्या सही है, क्या गलत है, इमोशंस पे नहीं। क्योंकि मैं एक पोजिशन पे हूँ, लेट्स हैव दिस एग्जाम्पल, कि दिस इज वॉट इवन ऑल द थिंकर्स आर सेइंग। तो सारे ही फिलोसोफर इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेंटेन अ सोसाइटी, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ह्यूमन सोशल थॉट, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, मैक्स वेबर हो, इमैनुअल डर्खाइम हो, रेनेसांस के जितने फिलोसोफर्स हैं, रेने डिकार्ट हो, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे जितने फिलोसोफर्स हैं, वो सब यही कोशिश करते हैं। आज भी यही कोशिश हो रही है फिलोसोफर्स के थ्रू कि किस तरीके से हम एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे वी डू नॉट हैव एथनोसेंट्रिज्म, ओके, और जहाँ पे हम एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कर सकें, राइट। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली, ओके, विद रिस्पेक्ट टू कैटेगोरिकल इम्पैरेटिव्स। कोई भी एक्शन जो गलत हो सकता है, जो गलत है, वो सबके लिए गलत होगा। तो यही एक पॉइंट है जो आपको समझना है। एज आई हैव सेड दैट यू डू हैव टू ब्रिंग सम पॉइंट्स, हाउ टू मेक योर नोट्स। सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल इम्पैरेटिव जो मैंने डिस्कस करा, देन वी हैव अ कैटेगोरिकल इम्पैरेटिव। सो यू डोंट हैव टू मेक वेरी यू नो ह्यूज पॉइंट्स टुवर्ड दिस फिलोसोफर्स, जस्ट मेक वेरी सिंपल पॉइंट्स। सो इट इज डिवाइडेड इंटू टू फॉर्मूलाज। सो वी हैव अ मॉरल लॉ, सो फर्स्ट फॉर्मुलेशन, act as if the maxim of your action were to secure through your will a universal law of nature. So, jo maine bhi aapko explain kara ki ye universally applicable ho. So, meaning act as if in your will you were defining a maximum rule for all to follow. तो आप एक ऐसा रूल बना रहे हैं, आप किंग है अपने किंगडम में, और आप कोई ऐसा रूल बना रहे हैं जहाँ पे हर कोई उस रूल को अप्लाई कर सके. Okay, so these are some of the formulas. So second formulation, act so that you treat humanity, whether in your person or that of another, always as an end and never as a mean. See if your actions are using others or affecting others in the meaning of never using them
एज अ मीन टू अचीव बट ऑलवेज एज एन एंड। अब ये फिलॉसफी क्या कह रही है? ये फिलॉसफी बहुत सिंपल है। पहले तो आप किसी को यूज मत करें, आप किसी को बैड ट्रीट मत करें। अब एक सवाल ऐसा अक्सर उठता है कि व्हेन वी आर हैविंग सोशल इंटरेक्शन, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या हम फैमिली में हैं या कहीं भी, सो आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उस इंसान को यूज कर रहे हैं? ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, तो यू नो लेट्स जस्ट से कि आपस में आप नोट्स शेयर कर रहे हैं। ओके, तो आपका इंटेंशन क्या है बेसिकली? यहाँ पे इमैनुअल कांट इज सिंपली सेइंग दैट योर कॉन्शियसनेस विल टेल यू दैट वेदर योर एक्शन इज टू यूज दैट पर्सन और इट इज जस्ट इन द प्रोसेस। डेफिनेटली आप सोशल कैपिटल बनाते हैं। ओके, तो लेट्स जस्ट से कि इस क्लास में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी किसी से दोस्ती होती है। अब दोस्ती हो रही है, अगर वो परेशान है या कुछ भी इशू है तो डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प करूंगी, राइट? अब क्योंकि वो मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, तो वो भी मेरी हेल्प करेंगी, मैं प्रॉब्लम में हूँ, फाइन। तो ये तो है कि ठीक है, बुरे वक्त में हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे दोस्ती ही इसलिए करी थी क्योंकि मुझे पता है 3 साल बाद 4 साल के बाद मुझको शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मैंने इनसे दोस्ती इसलिए भी करी है कि मैं इनके साथ रहूंगी और इनको मैं वक्त आने में और जैसे भी मैं इनको यूज करूंगी। दिस इज रॉन्ग। ओके, सो दिस इज रियली रॉन्ग, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप दोस्ती नहीं कर रहे हैं। अक्सर आप लोग भी देखते होंगे ये चीज कि प्यार मोहब्बत होने के लिए फैक्टर्स क्या है। अट्रैक्शन तो चलिए होता ही है इस एज में, सबको खूबसूरत है, तो अब खूबसूरत कौन है ये भी यू नो इट्स देयर इन योर आईज, बट किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास पैसा है, फिर अचानक से आपको उस इंसान से प्यार होने लगता है, 2 दिन पहले उसको भी प्यार नहीं था उससे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको कोई प्यार नहीं है, आप उस बंदे को या उस बंदी को यूज करना चाहते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वॉट इमैनुअल कांट इज एक्सप्लेनिंग टू अस इन हिज सेकंड पॉइंट। आप डेफिनेटली आप इस सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? ओके, सो इंटेंशन मैटर्स, और मैं डेफिनेटली इस चीज को बहुत अच्छे से मानती हूँ दैट कर्मा कम्स। आप जहां पे किसी को यूज करते हैं, जिस प्रकार भी यूज करते हैं, वो आपको पलट के आएगा, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यू नो यही भगवान की सृष्टि यही है कि भगवान आपको समझाएगा भी नहीं ना। कुरान में भी ऐसा है कि जब हम कुछ गलत एक्शंस करते रहते हैं, राइट, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, वो आपके दिल में काला दाग लगा देते हैं और वो इतना काला हो जाता है कि फिर आप सही और गलत में डिफ्रेंसिएशन ही नहीं कर सकते। आपके हिसाब से आपका एक्शन बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बिल्कुल फिलोसफी, रिलीजियस फिलोसफी, चाहे वो कुरान में हो, चाहे वो वेदास में हो, गीता में हो, ये बिल्कुल बात सच है। अदरवाइज हिटलर इतने खून थोड़ी ना करता, जिसने हिटलर ने इतना जेनोसाइड किया है उसके हिसाब से इट वॉज गुड, He was having euthanics. वो तो अपनी रेस बचा रहे हैं। So यही समझना जरूरी है कि हमको लगता है हमारा एक्शन बिल्कुल ठीक है, क्या वो एक्शन ठीक है? That you have to understand. Okay. So this is what a second philosophy. So see if your actions are using others or affecting others in the meaning of never using them as a mean to achieve but always as an end. ठीक है? तो आप खुद से चेक करिए, अपने आप समझिए कि आपने किसी से दोस्ती इसलिए तो नहीं की हुई है क्योंकि आपको किसी को यूज करना है, या आप आईएएस ऑफिसर इसलिए तो नहीं बनना चाहते कि बाद में बहुत पैसा कमाना है गलत तरीके से, तो ये गलत है, ठीक है? हमको इमोशंस के बेस पे चीजें करनी चाहिए, डेफिनेटली जो रैशनल है। किसी भी तरीके से किसी का भी राइट्स को मत खत्म करो। ओके, तो अक्सर आप देखोगे कि जैसे कोई भी आपसे थोड़ा इंफीरियर है, चाहे वो एज में हो, चाहे वो क्लास में हो, और क्योंकि आप सुपीरियर पोजीशन में उसकी नज़रों में या खुद की नज़रों में, तो जो इंफीरियर पोजीशन में बंदा है या बंदी है वो अक्सर ना यू नो आपकी गलत बात को भी सही कह देता है। ओके, अक्सर होता है, जैसे मेरी घर में मेरी डोमेस्टिक मेड है, राइट, सो वो 10 काम एक्स्ट्रा करेगी कभी कभी इन ऑर्डर टू लाइक नो मेक मी हैप्पी। आई डू नॉट अलाउ हर, मैं कभी अलाउ नहीं करती उनसे। ओके, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत एक इन्फीरियर पोजीशन में समझ रही है, और यू नो और क्योंकि मैं एक सुपीरियर पोजीशन में हूँ तो मैं उसको मे बी यूज कर जाऊँ, ये मुझको अक्सर डर रहता है, राइट? सो दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड ट्रस्ट मी,
जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं, आप उतने थिंकर्स को पढ़ते हैं, उनको इंजॉय करते हैं, तो आपके नेचर में एक चेंज आता है जो कि बहुत ज़रूरी है यूपीएससी की ट्रेनिंग करते हुए, उसकी प्रिपरेशन करते हुए वो चेंज आए. सो आई लाइक टू एंड माई लेक्चर ऑन इमैनुअल कांट ऑन दिस सेकेंड फॉर्मुलेशन. एंड सो दिस इज़ अ मोर लाइक यू नो मोर और लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव डिस्कस्ड दैट यू नीड टू टॉक अबाउट वॉट इज फ्री विल, वॉट इज गुड एक्शन, हाउ यू विल डिसाइड दैट योर एक्शन इज रैशनल और नॉट. ओके, सो माई रूल्स माई लाइफ ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो अब ये लेक्चर खत्म करते हैं. सिर्फ एक पॉइंट में आई वॉन्ट टू जस्ट एंड दिस पॉइंट दैट यू नो फेमिनिज्म के नाम पर काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो बोलते हैं माई रूल माई लाइफ माई चॉइस. ठीक है, एंड देन वो फेमिनिज्म के नाम पर आई बिलीव न्यूडिटी कर रही हैं. अब यहीं पर आपको कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव समझना है. सेन वेन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आर ट्रेडिशनल वैल्यूज, आपको समझना है कि क्या आप, तो क्योंकि आप एक एक्ट्रेस हैं, जब आप ऐसे शॉट्स कर रहे होते हैं तो आपके बॉडीगार्ड्स आपके साथ हैं, राइट? और जब आप वॉक भी कर रहे हो, आप अपनी मर्सिडीज में, लैम्बोर्गिनीज में घूम फिर रहे हैं, आप सेफ हैं. लेकिन व्हेन यू आर डूइंग सच एन एक्शन, माय लाइफ माय चॉइस, माय यू नो आई एम फीमेल एंड जेंडर राइट्स, ऑल दिस फेमिनिज्म हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव, राइट? तो हम तो फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं. नहीं, आप ये सोचिए कि आपके जो एक्शन है वो कोई 10 साल की 12 साल की छोटे बच्चे भी, लड़कियां भी देख रही होंगी, एंड दे मस्ट नॉट हैव दैट सिक्योरिटी विच यू हैव. एंड व्हेन दे ऑल आर पार्टिंग एंड व्हेन दे आर वेयरिंग सच व्हाट एवर क्लोज विच इज नॉट रियली सेफ फॉर देम, आई नो कि एक इंस्टेंट ये भी आएगा कि भाई आप लड़कों को समझाइए, आप अपना समाज ऐसा बनाइए. समाज एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो बनेगा. Reality is that when you are going in the night or in any time, and if you are not being careful, and if you are wearing a kind of clothes or anything which may attract to those who are definitely unsocialized, so aapko kahin na kahin problem ho sakti hai. So my rule, my choice type ke jo ads hote hain, kya wo aap ek chhota bachcha ya ek ladki sadak pe jaake wo kar sakti hai, jaise aap movies mein karke dikha rahe hain, jaise aap kapde pehen rahe hain? नहीं, वो उसके लिए डेफिनेटली सेफ नहीं हो सकता. ये आप क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू हैव टू थिंक क्रिटिकली. डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो फिलोसोफर्स हैं, ये कोई 4th century, 2nd century की बात नहीं कर रहे हैं. 17th century में पढ़ रहे थे, आज क्यों पढ़े? बहुत रेलिवेंट है आज को समझने के लिए. ओके, सो आई होप आपको इमैनुअल कांट समझ में आया होगा. आप इसको समझिए एंड ट्राई टू अप्लाई हिज थॉट्स इन योर एसे एंड योर इन योर एथिक्स पेपर. थैंक यू.